तंबूर वैली वादी कैलाश की दूसरी बड़ी वादी है। कैलाश की बमुरेत वादी में कयाम के दौरान हमने इस वादी के गांव कैलाश ग्राम के बारे में सुना तो खिंचे चले आए। ये जी रंबूर वैली का ये गांव है रंबूर, देख ले ये सकाफती लिबास है जो ख्वातीन पहनती हैं यहाँ पे। ये रंबूर की मरकजी स्ट्रीट है जी। रंबूर गांव का कौन सा गांव है रंबूर वैली है? कैलाश ग्राम। ये जी बल्कि हैवी स्टोरेज एंड इनमें जो है ड्राई फ्रूट सर्दियों के लिए इनमें इकट्ठा होता है। इसमें थैले में डाल के इसमें रख देते हैं। एक मशहूर लकड़ी तराश भी है जो दयार की लकड़ी से इंतहाई मेहनत के साथ जानवरों के मुजस्मे तराशता है। हम 300 से जायद सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचे। अरफान ये नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ अच्छा क्या कैसे ठीक हो? हमें पता चला जी आपका बड़ा जबरदस्त आप काम करते हैं ये तराशने का। हाँ बस और चीजें बनाते हैं। मेरा नाम है रहमत वाली जरसान। ये मेरा ये शौक मुझे ये बहुत तकरीबन 15 सालों से ये काम करता हूँ। अभी मुझे उम्र तकरीबन 40 तक निकल चुका है। ये मुझे शौक इसी तरह आई कि मैं तो मजदूर था, मेरे लिए बाप ये कपड़ा बना रहा था ना, तो ये असल मेरे अपने लिए मुझे शौक बढ़ गई। तो मुझे ये कपड़ा 15 दिन या 10 दिनों से यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था। तो मैंने कहा कि माँ बाप मुझे जिंदा है तो मुझे पहना और खिला सकता है, इसके बाद मुझे खिलाने वाला कौन होगा, मुझे पहनाने वाला कौन होगा। तो मैं देख रहा हूँ ना इस दुनिया में सारे लोगों का बाप माँ उनके साथ नहीं रह सकता है ना, चले जाता है। कई सालों में यहाँ कैलाश और रातों का कपड़ा बना रहा था मशीन से सिलाई करके, मैं पैसे के लिए नहीं, वो हुनर सीखने के लिए। मुझे पता चला कि इससे मुझे ज़रूरियाती भी पूरी नहीं हो सकता क्योंकि औरतों के पास इतना पैसा नहीं है, कोई पैसा मुझे नहीं दे रहा था ना। मैं इसके साथ साथ ये काम भी कर रहा था। मेरे पास दो तीन औजारे था, एक आरी था एक कुल्हाड़ी था। मेरे बाप का एक दिन ऐसी आई कि यहाँ हमारे इस गाँव वाला इसका होटल है, वो ने मुझे कहा कि आप चार ये इसी तरह घोड़े पर सवार बना दो तो मैं आपके साथ मैं वो बाजार में एक म्यूजियम लगा सकता हूँ। कैलाश लोगों का हमारे कल्चर के मुताबिक कोई भी चीज़ होगा ये भी हमारे कल्चर के मुताबिक है। तो वो खुद ही वो प्राइस भी वो खुद ही लगा रहा था ना, तो वो ने मुझे कहा कि 100 का एक घोड़े पर सवार मेरे लिए बनाओ, सिर्फ 100 का। तो कब की बात है या कब की बात है? वो 25 साल पहले की बात है। अच्छा, 100 रुपए उसने रेट भी लगा दिया। हाँ, वो खुद ही उसको रेट भी लगा दिया। रेट लगाने के बाद मैं बनाया। एक दफ़ा ऐसा हुई कि ये ग्रीक से बहुत से ग्रुप आई तो वो सारे घोड़े पर सवार सारे ले गए। $500 का एक पीसा। अच्छा, तो लेकिन इस वो म्यूजियम बनाने वाला भाई का बहुत फायदा हुई। 4 साल बाद
गुजरने के बाद मैं यहाँ से कोई लकड़ी मंगवाया वो दुकान बनाने के लिए। वो दुकान बनाया तो मैं उधर दुकान पे काम कर रहा था। बनाई आज तक आप ये कितने बना चुके हैं? 150 या 200 बनाई है, ऑर्डर पर बना रहा हूँ। पहले मैं ये 1 लाख का बेच रहा था ना, तकरीबन 4-5 साल पहले। अभी इसका तकरीबन मेरी ख्वाहिश तो है 3 लाख तक बेचने का। और ये लकड़ी कौन सी है? ये देहार की है भाई। अच्छा, देहार की लकड़ी है। हाँ, इसमें तकरीबन इसमें 2 महीने लगता है। 2 महीने आप फिर यही बनाएंगे, कोई और चीज नहीं बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, 2 महीने से यही चीज बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें लगा दिया है, 5 पीस लगाया है धूम के साथ। इसका 6 पीस होगा। कौन कौन सा पीस है? ये इसमें लगा दिया है। आपको पता है ये शहतूत का लकड़ी लगाया है। ये इसमें देखो, इसमें टंका लगा हुआ है। इसमें ये जो यहाँ से नीचे ये जो है, ये शहतूत का लकड़ी है। क्योंकि पता है कि बेटा आपको, ये जो है इसका ये चीज़ जो है, इसका वज़न बहुत भारी है। ये इसका वज़न, ये बहुत नरम लकड़ी है ना, ये दार, तो ये इसका ये जो है नीचे रखने वाला ये पांव जो है, ये उठा नहीं पा सकता, टूट जाता है। लकड़ी तराश रहमत वली जरसांग अगरचे दोनों टांगों से माजूर है, लेकिन कुदरत ने उसे खास सलाहियतों से नवाजा है। बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी बकसरत इस्तेमाल होती है। नया बन रहा है और छत इसकी अब डलनी है। जरा देख लें क्या खूबसूरत फन तामीर है। छोटे छोटे पत्थर की इन्होंने टाइल की शेप दे दी है। इस तरह का बेसिकली पत्थर यूज होता है। पहाड़ी इलाकों में पत्थर कब्र के ऊपर भी डालते हैं, शहरों में तो स्लेब्स आ गई हैं। शाबलूत, अखरोट और दूर पहाड़ों पर दयार के दरख्त बकसरत नज़र आते हैं। ये जी इनकी इबादतगाह है, जहाँ पर इस टाइम हम एंटर हो गए हैं। ये देखिए कुछ ये मंज़र है इनकी इबादतगाह का। लकड़ी का इस्तेमाल हर जगह पर है। बायफ्रिकेट किसको किया हुआ है? यहाँ अगर हम इबादत करते सारे मिलकर, यहाँ सारे गांव के जो बड़े बड़े काजिया होते वो भी यहाँ सब आते, फिर हम इबादत करते हैं। हम हमारे लिए भी खुदा से कहते हैं कि खैर करे अल्लाह, तू हमारे नियमतों को भी खैर कर, हमारे जो चरागाह में जो लोग हैं उनको भी आप खैर कर। जो ऐसा होता है कि ना वहाँ जो तालिबान, हम तो उनको तालिबान कहते हैं लुटेरे, वो अगर हमारे बकरियों को ले जाते हैं चोरी करके, फिर हम इबादत करके इधर आकर, ए खुदा तू हमें पैदा किया है, तेरा सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही हमारा खुदा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू ही हमारा सबका खुदा है, तू हमारे लिए खैर कर, बरकत कर, हम तेरे
तेरे बंदे, तेरे सिवा किसी और को नहीं बनते, तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। तो ये क्या रखा हुआ है यार, ये भी हमें गाइड करें प्लीज। ये तो पहले का दस्तूर है ना रिवाज। अच्छा। दस्तूर के मुताबिक ये तो हमें मालूम नहीं पता, ये तो किसी हमारे तो कोई खास बंदा आपको लीड करता है आपकी इबादत को, कोई बड़ा बड़ा होता है, काजी होता है। हाँ काजी, यहाँ ग्रुप होता है ना काजियों का, तकरीबन रुम्बूर बीरीर बम्बूरे दिए तीन वैलियों में हर काजियों का ग्रुप होता है। तकरीबन हमारे यहाँ इस रुम्बूर में तकरीबन 30 तक काजियाँ हैं, काजियाँ बम्बूरेत में अलग है और बीरीर में अलग है। वो इबादत करवाते हैं, वो इबादत करते हैं, वो गाइड करते हैं। तो उनको आप पैसे वगैरह देते हैं? नहीं पैसे तो नहीं देते। अच्छा। हाँ वो हमारे काजी है, वो जो कहते हैं हम वो मानते हैं। हाँ उनके बाद फॉलो, उनको ही फॉलो, जो दुआ वो करते हैं आप उसको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से जी नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, ये जो मुकद्दस इबादतगाह है इनकी, रंबूर वैली का नज़ारा भी करवा देता हूँ।